हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जम्मू रोवर्स। सो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सबको पता है कि कल जो है वो 15 अगस्त है और राखी में आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं काइट्स लेने। ये देखो, ये करण जो है ये अभी तैयार हो रहा है, इसको पड़ा हुआ था स्यापा जूतों वाला। ये देखो भाई, मैं गुंजन बढ़ जाता है, इसके इधर ही गुंजन बढ़ गए हैं, तो रखड़ी पे ये कहाँ गुंजन डालेगा। चार चार लेसिस वाला जूता लिया भाई, दिखाओ। तो भाई कैसे कैसे शूज ले लेता है, ये चार लेसिस वाला शूज लिया हुआ है, फिर ये रहता है उसमें इनको बांधते हुए। यार अब हम हो गए हैं तैयार, जैसे ये शूज बांध लेता तो हम निकलते हैं यहाँ से। तो यार वीडियो जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि काफी इंटरेस्टिंग वीडियोज जो है वो आपको यहाँ पे मिल सके। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपको सीधा अपने बाजार में, काइट वाले बाजार में। ठीक है, तोड़ दो यार। अभी हम अपनी शॉप से निकल चुके हैं और हम लोगों ने हेलमेट जो है वो ले ली हुई है, क्योंकि जम्मू में जो है वो हेलमेट जो है वो काफी अब हो गई है, अलाउड हो गई हुई है। नहीं तो पुलिस वाले चलान ठोक देते हैं 1000 रुपए का। अभी जा रहे हैं काइट लेने, तो ये सामने पीछे हमारी शॉप है। कल 15 अगस्त है, तो कल भी हमारे यहाँ पे बहुत कैट्स चल रही हैं, तो कैट्स वगैरह पूरा बाजार बिजी हो रहा है, इसमें बहुत बिजी हो रहा है। आप देख सकते हैं दुकान है, यहाँ पे कितने बड़े बड़े बूटे हैं, देखो बड़ा ऊपर जो कितना बड़ा लगा हुआ है, मतलब इतनी बूटी है भाई मेरे पास, तो ये खत्म होना होगा भाई। करण
तो फाइनली यार हम आगे एक शॉप पे रुके हैं, ये आप देख सकते हो मेरे पीछे ये छोटी सी शॉप है, बेशक शॉप छोटी है लेकिन यहाँ पे जो हमने प्राइस शॉप वाले सीधी बात नहीं करते। हाँ हाँ हमने तीन चार शॉप्स वगैरह देखी यहाँ पे, बट वो प्रॉपरली बिल जो है वो काफी हाई बना दिया उन्होंने, तो फिर हम यहाँ पे जो है ये यहाँ पे एक भैया है संजय काइट हाउस करके इनकी शॉप का नाम है, तो अब इनके ओनर से भी हम आपको मिलाएंगे। पहले हम आपको यहाँ पे इनकी काइट्स वगैरह दिखा देते हैं, ग्राउंड में पूरा वेराइटी दिखा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम आपको रेट से बता देंगे इसके। तो गाइस ये सब देख सकते हो, अभी ये शॉप जो है बेशक छोटी सी है लेकिन इनके पास जो गोदाम जो है वो पीछे काफी स्पेस है और काफी ज्यादा माल है यहाँ पे। ये देखो ये जो बड़े बड़े काइट्स हैं इनके बड़े चीप रेट्स हैं यहाँ पे, भूत वाले गुड्डे जो हैं ये बाकी तिरंगे विरंगे ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। अभी हम आपको यहाँ पे इनके ऑनर से मिलाएंगे तो वो आपको एक बारी बारी करके जो है वो काइट्स के रेट बता देंगे। ठीक है गाइस, ये हमारे साथ क्या आपका नाम क्या है? संजय गुड्डी वाला। तो इनकी जो शॉप जो है हम काफ़ी घूम के आए तो फाइनली जो हमें ये अंकल की शॉप यहाँ पे मिली जिनके जो काफ़ी रीजनेबल रेट्स हमें यहाँ पे मिले हैं, तो मैं आगे एक बार वो काइट वो बता देता हूँ और साथ साथ वो आपको वैरायटी दिखा देंगे और इनके रेट्स बता देंगे। अंकल जो ये सामने जो ये भूत वाला गुड्डा येलो वाला ये कितने का? ये वाला 25 का। 25 का ये 25 रुपए का पीस है और गाइस मैंने खुद जाके पता किया रैंडमली ये 30-35 रुपए का बाहर मार्केट में ये बिक रहा है। तो ये सारे सेम साइज के है ना ये? नहीं नहीं कोई अलग अलग है, ये अलग है। अच्छा ये अलग है। इसका क्या रेट है? ये कोई बात नहीं, ये कोई ऐसे होलसेल में है 17 रुपए का। अच्छा होलसेल में 17 रुपए का, ऐसे कोई परचून आएगा तो 20 रुपए तक। ठीक है ठीक है ठीक है। और जो ये भूत वाला है ये पीस कितना? ये व्हाइट वाला। हाँ ये व्हाइट वाला ये कोई 13-14 रुपए का है। ऐसे 13-14 का होलसेल में 12 रुपए का है। ठीक है, परचून आएगा 15 रुपए का। अगर कोई बंदा ज्यादा ज्यादा लेगा तो फिर 1-2 रुपया और कम हो जाएगा। जैसे जैसे उसका बनता है 150 रुपया बनता है उसका, ठीक है, तो हम उसे 10-15 रुपए और छोड़ देंगे उसको। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। और आपको कितना इनको एक एक काइट पे कितना मार्जिन बचता है मतलब? यानी बस इतना और कितना कोई? ये हमारा इनको टक्कर देने का चक्कर है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई पता क्या ये आया ना सोचने कि हमारा बड़ी दुकान है तो ये क्या करेगा। हाँ, तो फिर हम बाहर लगा के कोई डिस्प्ले करके माल और खोलेंगे, कल और खोलेंगे माल। ठीक ठीक ठीक, लोगों को पता लगेगा कि इधर भी वैरायटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज से तो हम कितनी शॉप्स पे गए बट वो बात ही नहीं करते हैं सीधे मुंह वो छोटे। हमने ज्यादा काइट जिसने कम से कम भी 2000 का बिल बनाओ तब जाके बात करते हैं, नॉर्मल हो तो बात ही नहीं करते। बात करते हैं, 200-300 वाले को पूछते भी नहीं। ठीक है, तो और जो एक जो दूसरी काइट होती है जो क्या बोलते हैं उसको, मच्छी वाली, ये क्या रेट है आपके? हाँ ये कितने का? होलसेल में देते हैं हम 8 रुपए की। अच्छा 8 रुपए की, कोई परचून आ जाए उसको 10 रुपए की भी दे देते हैं। ठीक है, 11 लेगा तो फिर इसको मैंने के 10 रुपए की देंगे हम। और जो ये वाली काइट्स लगाई है जो ये बच्चों, हाँ स्पाइडरमैन वाली जो ये वाला, ये कोई देंगे हम कोई 85 रुपए दर्जन। 85 रुपए के दर्जन, ठीक है। और हाँ हाँ, और ये जो तिरंगा, क्योंकि कल 15 अगस्त हम खुद अपने लिए तिरंगा ले रहे हैं, इसका ये तिरंगा है ना ये वाला। हाँ ये होलसेल में देंगे हम कोई 13 रुपए का। ऐसे परचून आएगा कोई 15 रुपए का। ठीक है, बढ़िया यार, 20 रुपए का पीस बिकता है ये। ठीक है, और जो ये बड़ी अच्छी डिजाइन वाली गुड्डी है ये वाली हाँ ये वाली, ये 90 रुपए दर्जन। 90 रुपए की दर्जन दर्जन। ठीक है बढ़िया, मतलब कोई पीस पड़ा है। ठीक, वो जो ये भूत वाली है ये जो बाहर है ये 90 रुपए दर्जन। ये भी 90 रुपए दर्जन। ठीक है, और ये अब ये दिखा रहे थे ये कुछ दूसरी काइट्स भी, ये कौन सी थी? ये वाली। हाँ ये वाली चेस्ट वाली, ये चेस्ट वाली है। ठीक है, ये भी 90 रुपए दर्जन। ठीक है, ये ऐसे बेच रहे हैं 120 रुपए दर्जन। 120 रुपए दर्जन मार्केट का रेट है, मेरा रेट है इसका 90 रुपए दर्जन। ठीक है, अच्छा ये छोटी काइट है, कौन सा पीछे हूँ सबसे छोटी काइट है। अच्छा इसका क्या रेट है? ये हम दे रहे हैं 50 रुपए दर्जन। 50 रुपए का दर्जन दर्जन दे रहे हैं। ठीक है, जबकि ऐसे जो लोग बेचते हैं ना इसको 60-80 रुपए इसको बेचते हैं, 70 रुपए। 80 रुपए दर्जन है ना हमारे मोहल्ले में? 80 रुपए दर्जन हम देंगे। 50 रुपए दर्जन की गुड्डी है उधर। हाँ हम देंगे 50 रुपए दर्जन, लेकिन हम मार्जिन नहीं कमा, लेकिन इसमें हमें 2-3 रुपए ही बचते हैं, लेकिन
लोगों को इतना लूटना थोड़ा दो तीन नहीं नहीं सही बात है सही बात है सही बात है। और जो ये सामने जो गुड्डा है जो ये सामने जो है ये वाला नहीं ये चिट्टे वाला ये वाला हाँ हाँ ये होलसेल में है 17 रुपए का 17 रुपए का रेल है इसका कीमत है 20 रुपए 20 रुपए अगर किसी बंदे ने 2-3 पीस लेने एक 2 पीस लेने हैं ठीक है फिर वो जो सामने जो बड़ा गुटा बूथ वाला वो वो सा, हाँ ये इसका 50 50 का एक पीस और वो जो सामने तिरंगा उसका 50 और वो जो परियां लगी हैं परी लगी है ना वो उसका रेट है होलसेल में 13 रुपए का 13 रुपए का ऐसे कोई अगर परचून लेगा 15 रुपए ठीक है। और जो ये पतंग का क्या पीस है पतंग का ये हम होलसेल में देंगे 25 रुपए की देंगे जो ये वाली है ये वाली ठीक है सैंपल रखा है बाकी अंदर माल अंदर माल अच्छा बड़ा हुआ ठीक है ना खराब हो जाता है माल तो गाइस यार काफ़ी अच्छा है इनके पास काफ़ी वैरायटी है एक बार आप पूरा देख लो। बेशक दुकान जो है वो है छोटी है लेकिन वही बात आ गई ना ऊंची दुकान फीका पकवान वॉल सिस्टम नहीं है यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी है बच्चों के लिए आपको अच्छी वैरायटी मिल जाएगी बच्चे के लिए ये देखो बच्चे आपने देखी नहीं ये देखो गाइस पोकेमॉन वगैरह अगर आपको छोटे छोटे बच्चे हैं अभी जैसे 15 अगस्त है हम आज 15 अगस्त के लिए शॉपिंग करने आए हुए काइट्स की अभी राखी काफ़ी दूर है अगर आपको अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है तो आप इनको यहाँ पे लेके आ सकते हो। ये इसका क्या रेट है क्या प्राइस है ये होलसेल में रेट है इसका 5 रुपए 5 रुपए हम 6 रुपए की देंगे ठीक है खुद भी तो कमाना है उन्होंने कुछ यार इतना तो चलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है ये वाली है ये वाली हम देंगे 3 रुपए की 3 रुपए 5 रुपए की बेचते हैं बाजार अच्छा 3 रुपए की देंगे ठीक है। तो काफ़ी वैरायटी है इनके पास काफ़ी आपको एक बार विजिट करो और बच्चों के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी है ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक वो मोमी में चेस्ट जो लगी हुई है वो हाँ मोमी में लगी है उसका क्या प्राइस है 11 रुपये 12-13 रुपये की ठीक है। जो ये वाली मच्छा ये हाँ ये मिलेगी 10 रुपये की ठीक है हाँ प्राइसेस जो है काफी रीजनेबल है जो जैन ये वाला अच्छा ये कितने 7 रुपए का सही है 7 रुपए का एक पीस नहीं तो 7 रुपए का आपको मार्केट में मिलेगा नहीं ये गुड़ी 7 की ये 15 की बेचते हैं ये वाली हाँ इतने 7 रुपए का देंगे सही है पूरे होलसेल वाले रेट से यहाँ पे। और सामने देखो ये सारी वैरायटी जो है इसी शॉप की यहाँ पे लगी हुई है आगे भी देखो ना आगे भी लगी है देखो आप हाँ वो पूरे एंड तक जो है निगी है सारी काइट्स वगैरह परियां वगैरह ठीक है। बाकी बच्चों के लिए डोर शोर वो भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे छोटी मोटी डोर मिल जाएगी ये हाँ एयर बैलून्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इसका होलसेल में मिलेगा बिकता है ये 20 रुपए का 20 रुपए का एक पीस हम देंगे 16 रुपए का होलसेल रेल आ जाएगा ऐसे परचून 17 रुपए का बढ़िया और क्या चाहिए ये लो दीवान मंदिर ठीक है डाखाना पोस्ट गली लेर गली डाखाना गली हाँ सिटी में यार मैक्सिमम लोग हैं जैन स्कूल के पीछे वाली जो गली है ना जैन स्कूल आगे स्कूल पड़ती है ना हाँ, दीवान मंदिर ये दीवान मंदिर वाली गली मंदिर वाली गली कचालू वाली गली गुजारी कचालू वाली गली के अंदर ठीक है। तो शॉप पे नाम लिखा नहीं कैसे पहचानने के लोग बैनर दिया बनाने के लिए ठीक है। संजय गुड्डी वाला ये खतरी संजय लाइट हाउस ये इस साइज लेना कनू है ये लेंगे या बड़ा वाला ही लें इसे जो पहले निकाला था ये भी ले लेंगे थोड़ा सा हाँ ये कितने पीस अंकल 4 पीस हैं एक सेट और दे दो ये ठीक है पकड़ के रखो। तो कल 15 अगस्त तक खाली तिरंगे चढ़ेंगे जो अंकल जो जैसे ये जो तिरंगा है वही रेट उस परियों का भी है ना देखना बेटा वो जो सामने लगी हैं वो वाली बूथ के आगे सेम रेट है ना हाँ अंदर जो ये तिरंगे का रेट है एक दो सेट वो निकाल दो हाँ जी ये 4 का सेट होता है ना हाँ, चार। तो 4 अलग कलर में निकालना है ठीक है 4 ये निकाली ना 4 और निकाल दो अलग कलर में 4 हाँ 4 एक थप्पी हाँ एक थप्पी ठीक है आप लगा देना
तिरंगा चाहिए, तिरंगा चार पीस और। हाँ मिल गया मिल गया। हाँ ये हो गया ना, आठ पीस ये हो गए। छोटा तिरंगा भी डाल दो, वही बात। कितने? छोटा तिरंगा 90 रुपए दर्जन है ना, ये डाल दो, एक आधा दर्जन डाल दो, 6 पीस डाल दो, थोड़ा साफ डाल देना। हाँ नहीं नहीं सही है सही है। और वो अच्छा कि ये छः ये आई, आठ पीस ये आ गए, आठ दूसरे मच्छ दे दो 10 जो आप कह रहे थे। कन्नू देख कौन से साइज कौन से कलर का लेना, देख ले। हाँ कल के लिए नहीं, फिर बाद में भी देख लें। एक ये आधा दर्जन ये दे दो बूथ वाली। जी बोलो सर। ठीक है अंकल बना दो उसका, बाकी रखी पे और ले जाएंगे, कल के लिए बड़ी है। क्या साड़ी यार बच्चे उड़ाते हैं ये देवी नहीं ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है देवी नहीं तो यार हमारी फ्लाइट जो है वो हो रही है प्रिपेयर। टोटल कितनी अंकल ये हो गई 16 ये वाली। अच्छा ये वाली अच्छा ये वाली 16 हो गई ठीक है। और ये होगी दर्जन और ये होगी 16 6 22 16 कौन सी परी है? अच्छा ये तिरंगे को मिला के सारी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 34 टोटल मैंने गिन लिया। इसको एक दूसरे के अंदर पा दो गिर जाएगा उन्हें। बन रहा तो गाइस यार हमें रीजनेबल रेट्स मिल गए हैं यार। तो टोटल हमारा जो बिल है वो 358 ही बना है। 35-40 गुड़ियाँ हैं। हाँ 34-35 गुड़ियाँ हैं। कल हम फूंक देंगे फिर आगे देखते हैं क्या बनता है। देखो यार यहाँ पे इसको कट लगे काइट उड़ा रहे थे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे तो उसके लिए आपको ये शॉप पे यहाँ पे ये भी मिल जाएंगे ताकि अभी इसलिए आप इसको काइट को उड़ा सको। फाइनली यार आ गए हम अपने घर पे तो पीछे मेरे करण भाई ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रश था यार बट फाइनली हम पहुँचे घर पे और अपनी जो कल 15 अगस्त के लिए जो काइट्स की हमें शॉपिंग करनी थी वो हमने कर ली है। एक बार हम आपको बता देते हैं कि हमने क्या क्या और कौन कौन सी काइट्स लाई है ठीक है।
यार जो ये है, ये जो बूथ वाली गुड्डी है ये हमने लाई है आधा दर्जन, ठीक है, और ये एक पीस, हाँ ये पीस, एक पीस जो है वो हमें पड़ा है इसका 7 रुपए का, ठीक है। हाँ यार, वो जो शॉप है उसका जो एड्रेस है वो मैं आपको बता दूंगा, और आप भी जो है उस शॉप से जाके ले लो, क्योंकि वो बहुत अच्छी मगर रीजनेबल प्राइसेस पे उसने रेट्स काइट्स के लगाए थे, ठीक है। हाँ देखो जो ये मच्छ है, देखो साइज कितना बड़ा है, मैं आप ना ऊपर यहाँ पे दुकान में, हाँ वो मुझे 20 रुपए की मच्छ या 15 रुपए की देगा, 15-20 की मच्छ मिलेगी। और जो ये मच्छ है ये हमें जो है ये 10 रुपए की मिली, इसका साइज आप देख सकते हो यार, दिलदार मच्छ आए गैया, ठीक है। हमने इसमें 2-6 पीस इसके लाए हमने, ये देखो ये है इसका पिंक वाला अखदार लाया हमने, वाह क्या मजा आएगा इसका जब उड़ेगा, देखा तो। चल दो उसको, ये भी सेट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद वो हमने ये जो इतनी काइट्स हमने सिर्फ कल के लिए लाई है, क्योंकि हमने शाम को 4-5 घंटे उड़ानी है और यहाँ पे बहुत काइट उड़ती है, तो इतनी तो लगभग उड़ ही जाएगी, ठीक है। तो अभी राखी के लिए हमने लानी है। ये जो है ये परी है, ये मार्केट में आपको 15-20 रुपए का पीस मिलेगा, लेकिन जिस शॉप से हमने लाई है वो हमें ये 13 रुपीज का जो है ये एक पीस पड़ा है। एक 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 हमने डिजाइन ये वाला लाया, एक दूसरा डिजाइन दिखाओ। हाँ कल 15 अगस्त है, इसलिए स्पेशल हमने जो तिरंगे हैं इसमें मैंने एक बड़ा साइज लाया, एक छोटा साइज लाया। ये जो बड़ा साइज है ये हमें 13 रुपए का एक पीस पड़ा है, इसका एक सेट ये है, एक सेट नीचे है, और एक छोटा सेट भी है। छोटा सेट दिखाओ, छोटा सेट वो उसके नीचे पड़ा है। हाँ ये जो है ये छोटा सेट है, ये भी साइज बहुत बड़ा है। मार्केट में ये जो गुड्डी है 10 रुपए की मिलेगी आपको, 10-15 रुपए की, लेकिन ये गुड्डी हमें वहां से 7 रुपए की पड़ी हुई है, ठीक है। और बाकी अच्छी अच्छी जो प्राइसेस पे हमें यहाँ पे मिल गई यार। अभी हमने काइट वाइट जो है वो सेट वेट करके रख दी है, एक की हमने ट्राई भी ली थी, काइट वाइट जो है वो बड़ी मस्त है। तो अभी हम जो है सुबह उठ के कल 15 अगस्त पे हम अपनी काइट वाइट उड़ाएंगे, और उसका ब्लॉग भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे। तो अगर जो भी चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। शटिंग सेम बननी यार, वो थोड़ी बोलना यार।